नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस है और इस मौके पर पूरे देश में, देश के अलावा विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम आपको 72 ऐसे कार्टून दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कार्य जो हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की हैं। इसके अलावा हम आपको कार्टूनों की तस्वीरें दिखाने चाहेंगे। ऐसे ऐसे तस्वीरें हैं कि जब आप देखेंगे तो आप भी काफी प्रसन्न होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कितना खूबसूरत कार्य जो है प्रधानमंत्री ने किया और हमारे कार्टूनिस्टों ने भी किया है। तो ये एक तस्वीर देखें, ये कार्टूनिस्ट का नाम है उरिल नाम है इनका, और देखें समाजवादी पार्टी गठबंधन, नीचे देखें क्या क्या लिखा हुआ है, दंगाई, जिहादी माफिया, धर्मांतरण माफिया, भू माफिया, कब्जा ग्रुप, शिक्षा माफिया, ना जाने कौन कौन सा माफिया। और नीचे देखें कितनी खूबसूरत एक तस्वीर बनाई है, आगे प्रधानमंत्री हैं जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में थे, और पीछे देखें योगी, कमान हाथ में ली हुई है और रणभूमि में ये उतरे हुए हैं। एक ये तस्वीर देखें, ये भी काफ़ी प्यारी तस्वीर है, इसमें लिखा हुआ है हर हर महादेव बहुबली। ये भी कुरील जो कार्टूनिस्ट हैं उन्होंने ही बनाई है, और देखें कितनी खूबसूरत ये बनाई हुई है। ये एक तस्वीर देखें, ये भी काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। ये देखें माता से आशीर्वाद देते हुए ये एक तस्वीर बनाई हुई है, ये भी कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और क्या क्या ये कहती है, ये वाली तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर क्या क्या चल रहा था और प्रधानमंत्री किन किन ताकतों के साथ लड़ रहे थे। साथ और सहयोग की आवश्यकता थी और लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया है प्रधानमंत्री का, और इसीलिए आज प्रसन्नता के साथ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखें, ये तस्वीर भी एक काफ़ी खुश बयां करती है। कार्टूनिस्टों की ये खासियत होती है कि वो एक तस्वीर से ही, एक कार्टून बनाकर ही वो ये दिखा देते हैं कि क्या क्या किया और क्या क्या हो रहा है। ये देखें पाकिस्तान कोरोना के समय क्या क्या चल रहा था, पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेके यहाँ पर देखें किस तरह से भीख मांग रहा है, हमें मेडिसिन दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है हनुमान के रूप में दिखाए हुए हैं वो जा रहे हैं और डर का माहौल है। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है, इस पर लिखा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, प्रधानमंत्री हैं और योगी जी, प्रधानमंत्री और योगी, और बीच में रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और सीता जी हैं। और ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बयां करती, ऐसे ही काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। यहाँ जो कार्टूनिस्ट हैं, ये एग्जीबिशन जो है वो कल शायद इसका प्रदर्शन किया जाए, आज तो ये लोग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखें कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा शेखर जी, होगा काम कि हम करें बाद या अभी आप लगे हुए हैं? नहीं, करो करो बात करो। अच्छा जी, कितनी तस्वीरें आप, कितने कार्टून हैं जो आप दिखाने वाले हैं, और ये एग्जीबिशन पहले ये बताएं कब होने वाली है? ये एग्जीबिशन कल सुबह 11:30 बजे यहाँ एग्जीबिट हो जाएगी, आम पब्लिक के लिए सारे लोग आ सकते हैं। अच्छा, कल एक बार लोकेशन भी बता दें कहाँ होने ये वाली? बेबी कैटरर में है जो रिहाड़ी के पास है, सभी ये बड़ा पुराना हाल है और बड़ा मशहूर हाल है बेबी कैटर में। तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी एक हाल था, तो हमने आम लोगों के लिए एक आम हाल इसलिए ये चूज किया कि ताकि यहाँ पर लोग आ सकें। सोच क्या क्या थी, साथ साथ में हम कार्टून भी दिखाएंगे आपको, हमारे राजीव भाई जो है वो आपको दिखाएंगे। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जैसे कि पिछली बार 71वां जन्मदिन था तो मैंने 71 कार्टून की एग्जीबिशन लगाई थी, तो इस बार उनका 72वां जन्मदिन है, 72 कार्टून है, 72 कार्टून में सारे मेरे कार्टून ही हैं। ये हम 3 कार्टूनिस्ट हैं जिसमें मेरे गुरु सागर साहब उनके कार्टून भी हैं, मेरा दोस्त बड़ा प्रिय मित्र मनोज कुरी उसके कार्टून, हम 3 लोगों के कार्टून हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे, या ये इस रो में सारे मेरे कार्टून हैं, इस रो में सारे के सारे अपने
सागर साहब के कार्टून है और उसरो में कुरील जी के कार्टून है सारे। इसरो जब आप कहते हैं तो इस, इस, इस जगह पर इस साइड पे उस साइड पे ये तो हम बीच में मजाक कर रहे हैं, मजाक कार्टून दोस्तों के साथ होता ही है। काफी कुछ ये तस्वीरें कहती हैं जी, तो ये किसने बनाई हुई है? ये मेरे गुरुजी हैं सागर साहब जी, उनका है। हाँ, उनका काम है ये। ये तो भगवान कृष्ण वाले वो दिख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण अगर वो है कि उस रूप को उन्होंने दिया होगा ना, कि जो कास्टिज्म फेमिनिज्म के उसको जो उन्होंने जैसे कि भगवान कृष्ण ने वो नाक के ऊपर किया था ना, उसी का वो चीज कर रहे हैं। और भी कई सारे कार्टून सारे ये देखिए ना, ये देखिए स्वच्छ भारत का नरेंद्र मोदी, जरूरी नहीं है स्वच्छ भारत में गंदगी भ्रष्टाचार परवाद बात वो मिटा रहे हैं, तो ऊपर से महात्मा गांधी जी खुश हो रहे हैं। ये चीज ये काफी सुंदर तस्वीर है, ऊपर हमारे महात्मा गांधी जी फूल बरसा रहे हैं। जी जी जी, अब ये देखिए ये जो अपने वो इस समय प्योर अपने पाकिस्तान की प्योर इकॉनमी के ऊपर वो कह रहे हैं, हाँ जी मैं आपको एडवाइस देता हूँ। तो वो उसने कहा था ना पीछे जो अपने शहबाज शरीफ जी ने कहा था कि हाँ जी मैं आपको एडवाइस देता हूँ, कहते तू नंगा हो गया, पहले मैं तेरे को अंडरवेयर देता तू ये पहन। ये अच्छा, ये देखिए ये कार्टून, ये आंसू ने चंद्रयान का 3 का ईंधन होंगे जीवन साहब जो जब ये हुआ था। बाकी ये सारी की सारी रो मेरे कार्टून की आप देख सकते हैं। ये आपने बनाए हुए? ये सारे मेरे कार्टून से सर। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए, जब नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन के लिए अपना पूरे मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा उस दिन कि नरेंद्र मोदी ने कहा मैं दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दूंगा, तो इतने लोगों का था कि हाँ जी वो कैसे करेंगे, मीडिया वाले भी ऐसा हो नहीं सकता ये इतने लोगों को ये कैसे मतलब एक आदमी करना चाहते हैं और कई सारे लोग हैं जो उनको करने नहीं देना चाहते। देखिए वो कुत्ते भौंक रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। ये जो हमारे यहाँ पर मिलिटेंट आते हैं, ये हमारे लिए मच्छरों की तरह है, चप्पल देकर हमारे नहीं देखते। मेरे को आइडिया है मच्छरों की तरह, टक टक जा दफा हो यार मैं भी आऊंगा। मानसून सत्र तो नाग तो निकलते हैं, तो ये उसी पर था। काफी काफी खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ इस एग्जीबिशन को कौन करवा रहा है? ये इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वाले करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ ये उन्हीं के ऊपर सारे भारतीय जनता पार्टी वाले करवा रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा वाले करवा रहे हैं। दीदी क्या बोल रही है? ये दीदी भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ी है। अच्छा, बाकी तभी वो जीत गई, तो बाकी नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हैं। अब ये देखो 2024 में नरेंद्र मोदी जी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बड़ी छलांगे लगा रहे हैं, ऊपर पहुंच रही है लेकिन ये गिर जाएंगे सारे। ये कौन है? ये ज्यादा छलांगे लगा गए सारे हैं, सारा ग्रुप है। अब कुछ और मॉल बना रहे हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या मोदी जी का कोई अल्टरनेट है? कोई नहीं है, तो अब उनका अल्टरनेट ही कोई नहीं है, जो मर्जी आओ बड़े मच्छर आएंगे, बड़ी मच्छी। इन लोगों ने सबका अल्टरनेट निकाला था, ये बड़े राजनीतिक लोग बड़े तेज थे। अच्छा। इनके पास बड़ी शक्तियां थी, लेकिन ये सारी फेल क्यों हो रही हैं? ये फेल देखो, ये एक इंटेलिजेंट आदमी होता है जिसको सारा ज्ञान होता है, तो वो अब यहाँ तो उससे इंटेलिजेंट बढ़ो। ये सारे इस समय वो चल रहा है, इनकी मीटिंग चल रही है, ये एक प्रदर्शनी भी है मोदी जी के ऊपर ये अपने। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरविंद गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी हूँ। हम पखवाड़े को देख रहे हैं इस मोदी जी का, 17 तारीख से जन्मदिन लेके 2 अक्टूबर तक 15 दिन का पखवाड़ा है। ये रविश मैंगी जी हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पे, बाकी हमारे मंडल के लोग सभी लोग। जैसे कि आज 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, तो हमने मोदी जी का जन्मदिन सेवा भाव से मनाया। हमारे युवा मोर्चा ने आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ था, जिसमें हमने 1000 यूनिट ब्लीड किया और 4000 को रजिस्टर्ड किया। हमने एक टारगेट फिक्स किया हुआ था कि 1000 जो यूनिट्स हैं वो ब्लीड करेंगे और 4000 यूनिट वो हम रजिस्टर करेंगे। वैसे ही 18 तारीख को हमने मोदी जी की जीवनी के ऊपर एक प्रदर्शनी रखी हुई है। आपने देखा कि जैसे शेखर शर्मा जी ने जो कार्टूनिस्ट हैं और उनके साथ 2-3 कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने अपने मोदी जी के बदतर को बेहतर कैसे बनाया है वो इसमें दर्शाया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग दिन 17 से लेकर 18 को ही है, 19-20 को हमारा मेडिकल कैंप वगैरह है, 21 को जो है वैक्सीनेशन का है, 22 को ट्यूबोक्लोसिस का है कि जम्मू में हमारे जम्मू कश्मीर में 11,000 कुछ ट्यूबोक्लोसिस पेशेंट्स हैं, तो उस पेशेंट्स को वहाँ पे तो वैसे मोस्टली उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मेडिसिन और डाइट, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो भी बीजेपी के लोग हैं वो
ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करके उनकी फीड वगैरह का, उनको डाइट का ध्यान रखते हुए। वैसे आपने जितने भी कार्य हैं हमारे जो मोदी जी के जन्मदिन पे इस पखवाड़े में, सारे सेवा भाव से हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक हर चीज पहुंचेगी, उसी तरह से हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के जितने भी लोग हैं, अलग अलग जगह पे कल प्रदर्शनी है, ये जम्मू वेस्ट के तरफ से ये प्रदर्शनी है, हर जिला अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाएगा, इसी सेवा भाव से ये हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आपने कार्टूनों को जो चुना है, ये बड़े जबरदस्त कार्टून है, जो 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 ये कह रहे हैं तो ऐसा ऐसा तो यहाँ बाकी वालों को पता चल जाए उन तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। नहीं, आपने देखा है, आप एक कार्टून से देखो, बहुबली या वैक्सीनेशन का यहाँ पे दिखाया है कि राहुल जी का आपका कद ऊंचा हो गया है, आर्टिकल 370 पे है, राम मंदिर पे है, जो चीजें हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड में की हैं वही हमने कार्टून में दिखाया हुआ है। कार्टूनिस्ट ने थोड़ा सा अपना डिजाइन उसके अकॉर्डिंग किया होता है, लेकिन दिखाया हमने जो है, जो मोदी जी ने जो 2014 से पहले जो चीजें नहीं थी और 2014 के बाद जो चीजें इंप्लीमेंट हुई है, कार्टूनिस्ट ने उसको अपने तरीके से, असंभव था उसे संभव कर, संभव कर दिया, जो असंभव था वो संभव करके दिखाया। जैसे अभी भी सफाई चल रही है, सफाई अभी कंटिन्यूसली, अभी काफी चीजें हैं। देखो, हमें नेशन सुपर पावर बनना है, भारत को जो सोने की चिड़िया है, जो हम बोलते थे कि भारत एक टाइम सोने की चिड़िया है, आने वाले टाइम में सोने की चिड़िया बनेगा। आजादी के 75 वर्ष मनाए हमने, जैसे हर घर तिरंगा हर घर झंडा, आपने वो पैट्रियटिज्म तो लोगों में देखा ही होगा कि लोग कैसे हर घर में तिरंगा लगा हुआ था। और दो मोदी जी ने लक्ष्य लिया हुआ है कि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत जो है वो सोने की चिड़िया के रूप में उभर के आएगा। वैसे आपको लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कितने बजे वो यहाँ पर आके इस एग्जीबिशन को देख सकते हैं? जो एग्जीबिशन का इनॉगरेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट अरविंदर रैना जी करेंगे, 11:30 बजे का टाइम है। हमने सभी पब्लिक को भी अपील की है और मैसेजिंग भी की है कि आप 11:30 बजे यहाँ पे रहें, 11:30 से शाम 5 बजे तक ये एग्जीबिशन चलेगी। इस एग्जीबिशन का बस मोटिव यही था कि मोदी जी ने जो किया है हम लोगों को दर्शाए। वैसे तो सभी पब्लिक अवेयर है, कोई ऐसा है व्यक्ति है नहीं है जो उनके व्यक्तित्व को जानता नहीं है, सब उनके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी एक उनकी जो जीवनी थी, उन्होंने बचपन से लेके आज तक, एक हमारी बुक है मोदी एट 20, उस पे भी 21 आर्टिकल्स हैं, सभी अलग अलग लोगों ने लिखे हुए हैं आर्टिकल्स, अमित शाह जी ने हैं, पीवी सिंधु है, अजीत डोभाल है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उस पे भी सारा मोदी जी के बारे में वर्णन किया हुआ है। उसकी भी एक एग्जीबिशन है आगे थोड़े दिन के बाद। ऐसे ही हमने रूटीन वाइज एक प्रोग्राम बनाया हुआ है 15 दिन का क्रम, उसमें ही एक एग्जीबिशन था और एग्जीबिशन हमारी कल है। ये रिहाड़ी में कौन सा स्पॉट है? ये बेबी कैटर्स में है, रिहाड़ी में बेबी कैटर्स में, कल सुबह 11:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के। तो कल आपको, अगर आप इस एग्जीबिशन को देखना चाहते हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या काम किए हैं, जो नहीं हो सकता था उसे भी करके दिखाया है, अगर आप इस एग्जीबिशन को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिहाड़ी में बेबी कैटरिंग कैटर्स में आ सकते हैं सुबह 11:30 बजे के करीब। तो आए और देखें, ताकि आपको भी, क्योंकि भ्रम से बाहर आना बहुत जरूरी है। अभी भी लोगों को भ्रमित किया जाता है कि देखें प्रधानमंत्री जो हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक लोगों का कार्य है, उनको सत्ता में आना है, लेकिन सत्ता में आने के लिए किसी को इस तरह से उसकी छवि बनाना, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है गलत है। जो कार्य अच्छा हो रहा है या कोई अच्छा कर सकता है उससे और अच्छा आप करवाएं, तो ये हमें लगता है कि एक राजनीति करने का सही तरीका है, लेकिन लोग जो हैं वो शायद गुमराह हो गए हैं, लोभ लालच में फंस गए हैं। जो राजनीतिक लोग हैं, कुछ तो जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो माहौल बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो वो उस भ्रम से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो इस एग्जीबिशन को देखना बहुत ज़रूरी है। 72 कार्टून जो है वो यहाँ पर, इनकी तस्वीरें जो हैं वो पब्लिश की गई हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि कितनी मुश्किल दौर से प्रधानमंत्री ने भारत को जो है वो एक दिशा दी है। बाकी इसके ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें साथ साथ नमस्कार।